ड्राइवर हूँ। इतना है कि सरकार से समान काम और समान वेतन हो। 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। आपके सामने मैं पब्लिक की समस्याएं रखूंगा। अगर आप सॉल्व करना चाहें, आप भगवान आपको मौका दे, आप इन बातों को ध्यान में रखिए प्लीज। माँ से मिलो आप? मम्मी he was driving me in the Uber driver, so now he's taking me, he's taking me to the bus stand for some other work. चले चलिए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। बैठ जाओ यहाँ। आप कंडक्टर हो? जी सर। आप ड्राइवर हो? कंडक्टर। आप ड्राइवर, आपका कितना बनता है? सर 800 रुपए एक दिन का बनता है, उसी में SIPF दोनों कटता है, और जो रेस्ट बनता है उसको ही पैसे कटते हैं। आप ड्राइवर हो? 21,000 टोटल किलोमीटर के हिसाब से इनका। अच्छा, और कितने घंटे होता है काम? 8 घंटे 8 घंटे होते हैं, बट अगर 1-2 घंटे ऊपर चलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। नहीं सर, कच्चे हैं, सब कच्चे हैं। तो आपको कितना पैसा मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर को कितना मिलता है? सर कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हमारे बीच में, हम और DTC हैं सीधा डायरेक्ट। हाँ जी, बट हमारा 800 रुपये, 813 रुपये एक दिन का, 16 रुपये उसी में SIPF भी कटेगा, प्लस महीने में हमारा कोई रेस्ट नहीं होता, ना होली ना दिवाली, कोई दिन नहीं होता, कोई दिन नहीं, संडे सैटरडे कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसका पैसा कटेगा जिस दिन हम छुट्टी करेंगे, जितनी छुट्टी करेंगे उतना पैसा कट जाएगा। अगर आपकी मदद की जाए तो क्या करा? समान हमें परमान सर समान भत्ता खिलाना चाहिए, ताकि हम लोगों का भी गुजारा हो सके, बच्चों की भी देख रेख किया जा सके। 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, कहाँ से किराया दें, कहाँ से किताबें लाएं, कहाँ से ट्यूशन फीस दें, कहाँ से नहीं मिल रही। आप बस पे अभी चल नहीं चल रहे? बस में चल रहे साहब, प्रॉपर सैलरी कैसे नहीं मिल रही? देने नहीं गवर्नमेंट, सैलरी नहीं आ रही। राज्य सरकार कह देती है सेंटर को, सेंटर सरकार कह देती है राज्य को, फंड रिलीज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और आगे से 2 महीने का और कह दिया, 2 महीने तक और नहीं मिले। जहां हाथ पैर मारने मार लो, जिस नेता के पास जाना चले जाओ, जो करना कर लो। अक्टूबर से पहले सैलरी नहीं मिलेगी, ये कह रहे अधिकारी। हमारे बच्चों के साथ ये हो रहा, अब नहीं भर्ती कर रहे, उनका भी भविष्य खराब करेंगे ये। मैं कंडक्टर DTC कर्मचारी हूँ, हम एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, और हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, वो भी ड्यूटी कम होती है तो उसे रिन्यू नहीं होने देंगे। फिर आप जाइए घर बैठिए, फिर बड़े मुश्किल से हमारे मतलब परमानेंट नहीं बनाना चाहते। हाँ जी सर, हमें पक्का किया जाए, हमें ये मांग है हमारी, या नहीं तो समान वेतन समान काम होना चाहिए हमारा। हम आपसे मांग यही कर रहे हैं बस, सरकार से। जब तक शीला दीक्षित हमारी बहन जी थी, जब तक उन्होंने पक्का किया, उनके बाद हमारे कोई अभी तक सुनवाई नहीं, उन्हें पक्का किया। लेकिन हमारा सवाल ये है सर, कि नागरिकता हमारी पक्की तो नौकरी कच्ची क्यों? क्योंकि आज निजीकरण हो रहा है, सबसे ज्यादा निजीकरण कर रहे हैं लोग, और इस निजीकरण से हमारे बच्चों का क्या भविष्य रहेगा? आज पूरे DTC कर्मचारी हमारे बम की तरह भरे हुए हैं, हम उम्मीद उनसे रखते जो हमारी आवाज मुखर करे। सर पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं है, और उस सैलरी का नतीजा ये है कि हमारे 24 जवान जो होमगार्ड के हैं, वो कोई हार्ट अटैक से, कोई डिप्रेशन से वो दुनिया छोड़ चुके हैं। और हमारी समस्या ये है सर कि हमें हर 6 महीने के लिए हमारे को स्टैंड किया जाता है। ऑलरेडी हम ट्रेंड हैं, ट्रेनिंग के बावजूद हम भर्ती हुए थे होमगार्ड के अंदर, और उसके बावजूद अभी 10,285 आदमियों की भर्ती निकाली है, और हमें जनवरी तक का टाइम दिया गया कि अब इस उम्र में, जिसमें हमारी एज सबकी 50+ हो चुकी है, अब इस एज में हमें कोई ना सिक्योरिटी में नौकरी देगा, ना ही कोई और नौकरी हमें मिल पाएगी। मैं भी ड्राइवर हूँ, बस इतना है कि सरकार से समान काम और समान वेतन हो। मन बताओ, इनकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई, अब ये क्या करेंगे? दूसरी नौकरी देखने के लायक भी नहीं छोड़ा इनको, बस यही है कि समान काम और समान वेतन हो। ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, इसका फायदा किसको मिल रहा है? इसका फायदा उद्योगपतियों को मिल रहा है, टॉप वालों को, उद्योगपतियों को मिल रहा है। आप एक्सपीरियंस हैं, कब से चला रहे हैं? मैं जब चला नहीं रहा, मैं अच्छा मैं अंदर हूँ वर्कशॉप के अंदर, पर मैं वर्कशॉप में, हाँ जब से वो संभाला है, गाय और बिछड़े के समय से मैं कांग्रेस का हो रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी है मेरे लिए, मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिला, और आपके सामने मैं पब्लिक की समस्याएं रखूंगा। अगर आप सॉल्व करना चाहें, आप भगवान आपको मौका दे, तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए प्लीज, क्योंकि इसलिए आया हूं। ये आम आदमी है, ये आपकी जनता है, और आपसे प्यार करने वाले हैं कांग्रेस के नाम से। बताइए बताइए। ठीक है सर, रही बात रोजगार की, आज मोदी जी ने इतना बुरा हाल कर दिया देश का, हमें इस तरह से गुलामी महसूस होती है। पढ़े लिखे का अंतर खत्म कर दिया इन्होंने, अनपढ़ मजदूर 18 से 20 हजार लेता है, पढ़ा लिखा
25,000 लेता है। हम एक आम आदमी हैं जो पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं कि बच्चा कहीं सेटल हो जाएगा, लेकिन अंत में उसको भी 25,000-35,000 ही मिल पाते हैं। ये हमारे आम लोगों की समस्याएं हैं सर। सर बोलना तो हर कोई चाहता है, आजकल जो बोलता है सीधा उसका काम गवर्नमेंट का काम है, जेल में डर फैला हुआ है, पब्लिक के दिलों में डर फैला हुआ है। आप लोग पैसा बचा पाते हो या बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और अगर आप कहीं बस पे जाओ तो आपको पैसा देना पड़ता है या आपके पास पास होता है? आपके पास पास ऐसा कुछ नहीं है जो आप बस पे नहीं जाओ। तो धन्यवाद आपका। नमस्कार ब्रदर, कैसे हो? तो अपने अपने बारे में बताओ, बच्चे कैसे हैं, क्या हो रहा है, फैमिली कैसी है, काम कैसा होता है? मेरी ड्यूटी 12:50 से स्टार्ट होती है, मैं यमुनापाल से आता हूँ, पर हालांकि डिपो तो बहुत दूर पड़ता है। कैसे आते हो? मैं बस से ही ट्रेवल करता हूँ सर। जो हमारा कॉन्टेक्ट है ना सर, उसमें दिक्कत, कॉन्टेक्ट लेबर है एक तरीके से। अच्छा, हाँ जी। कॉन्टेक्ट लेबर हो, कभी भी निकाल दिया जाता? हाँ जी, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा, हर साल रिन्यू होता है। और आपका कॉन्ट्रैक्ट डीटीसी के साथ होता है या किसी बिचौले के साथ? नहीं नहीं, डीटीसी से डायरेक्ट। बट ये हम तो एक अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए परमानेंट जॉब चाहते हैं। ये आपका सरोजनी नगर मार्केट होते हुए और ये सफदरजंग हॉस्पिटल होते हुए जाए। अच्छा लगा आपका सब प्रोग्राम। अभी क्या है, कंडक्टर से बस ड्राइवर से बात कर रहा था, मैं देख रहा था इनकी प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा समझना चाह रहा था। क्योंकि मैं पहले जो ट्रेन ड्राइवर्स थे उनसे मिला था, तो फिर बस ड्राइवर ने मुझे कहा कि बस ड्राइवर से भी आपको मिलना चाहिए, उनकी भी समस्या है। तो यहाँ पे इनकी पेमेंट की समस्या है, होम गार्ड की समस्या है, तो ये मैं थोड़ा समझने की सोच रहा हूँ। ये लोगों को पता लगे कि आप बस पे बैठ रहे हो, मगर ड्राइवर को क्या करना पड़ता है, कितना पैसा मिलता है, कितनी मुश्किलें हैं, कंडक्टर को क्या भुगतना पड़ता है, फिर सिटीजन जो आ रहे हैं उनको क्या आइडिया। थैंक यू ब्रदर, धन्यवाद भैया, अच्छा लगा। ओके। थैंक यू। थैंक यू सर।